बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी ख़ास तौर पे फरीदा बोरी जी के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ पनीर हांडी, यानी कॉटेज चीज़ से बनाई जाने वाली हांडी, जो कि हम होममेड कॉटेज चीज़ से बहुत ईजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें कॉटेज चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं आपको पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप उसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और आप इसके लिए स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो अपनी डिश की एक पिक लेके मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे इनबॉक्स कर दें और मैं आपके नाम के साथ उसे पोस्ट कर दूंगी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अंदर हम तकरीबन 200 ग्राम होममेड कॉटेज चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ये कॉटेज चीज़ आपको एक और वीडियो के अंदर सिखा दी है, तो ये फ्लेवर्ड कॉटेज चीज़ हमने घर में रेडी की है और आप अपने हिसाब से किसी भी तरह की फ्लेवर में ये कॉटेज चीज़ रेडी कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कार्ड्स में भी आप इसकी रेसिपी का लिंक देख सकते हैं। ब्लांच किए हुए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बिल्कुल लाल टमाटर लेने हैं आपने, और इसी तरीके से 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। दोनों चीज़ों को हमने 5 मिनट पकते हुए गर्म पानी में ब्लांच कर लिया है और टमाटर के छिलके उतार दिए हैं। अब हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करते हुए हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें साथ ही डाल के एक गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लेंगे। 2 हरी मिर्चें हैं, ये मोटी वाली हैं तो तेज़ नहीं होती। ये 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का टुकड़ा है और 3 बड़े साइज़ के लहसुन के जमे, और ये मैं ब्लांच किए हुए टमाटर और प्याज के साथ ही ग्राइंड करूँगी। साथ ही इसके अंदर दम पे हरा धनिया जाएगा, जो गरम मसाला इसके अंदर इस्तेमाल होगा उसके अंदर 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 3 लौंगे और 7 से 8 काली मिर्चें हैं। साथ ही इसके अंदर 10 काजू का पेस्ट जाएगा, ये काजू का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून भर के इसमें दही जाएगा, 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम या हैवी व्हिपिंग क्रीम, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून बटर जाएगा, ये भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून है तकरीबन भून के मोटा कुटा हुआ जीरा और साबुत धनिया। उसके अलावा 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल का भी इस्तेमाल साथ में होगा। सबसे पहले तकरीबन 3-4 टेबलस्पून ऑयल गरम करके इसके अंदर हम ये गरम मसाला कड़कड़ाएंगे और हम इसके अंदर मक्खन का इस्तेमाल लास्ट में करेंगे, क्योंकि इस तरह फिर बहुत ज़्यादा ही ये बटरी और क्रीमी हो जाता है और हैवी हो जाता है। इसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे, उसके बाद हमने जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, 5 चीज़ों का जो इसके अंदर हमने पेस्ट बनाया है उसे हम शामिल करेंगे। तो उससे पहले मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसका कवर जो है वो मैं करीब पर ही हूँ, क्योंकि ये ऑयल तेज हो जाता है क्रैकल होते हुए गर्म मसाले के, और फिर उसके बाद बहुत छींटे उड़ती हैं। चंद सेकंड के बाद हम पॉट को खोलेंगे और इसके अंदर ये तमाम मसाले शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला हमने मिक्स कर दिया, अब हम पैन को दोबारा कवर लगाएंगे और इसे इतनी देर पकाएंगे कि ये मसाला अच्छे तरीके से पक जाए और ऑयल जो है वो किनारों पर सेपरेट हो जाए। मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट पका लेंगे। थोड़ी देर के अंदर इसके अंदर मसाला भुन जाएगा और आप देखिए इसके कवर के ऊपर कितना ज़्यादा स्प्लैश हुआ हुआ है। तो आपने जिस जिस टाइम इसे खोलना है, चूल्हे को या बंद कर देना है या बिल्कुल लो पे कर देना है, ताकि कम से कम आपके आसपास जो है वो मैसअप हो। थोड़ी सी देर गुजरेगी, ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। ऑयल देखिए हमने कम ही डाला था, इसलिए सेपरेट भी थोड़ा कम ही हुआ है। अब इस टाइम के ऊपर हम इसके अंदर ये दही डाल देंगे। स्टोव मैं भी ऑफ कर देती हूँ ताकि कम से कम छींटे उड़ें, और साथ ही हम ये काजू का पेस्ट डाल देंगे। मैंने इसमें काजू का पेस्ट यूज़ किया है, आप इसके अंदर बादाम का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दोनों ही यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर 4 मगज़ का यानी कि मेलन सीड्स का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं वापस से।
इसे वापस से मैं कवर कर रही हूँ और फिर मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसे 2-3 मिनट पकाऊंगी ताकि एक दफ़ा फिर ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए फिर से एक दफ़ा इसके अंदर ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। आज को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और काजू का पेस्ट डालने के बाद ये बहुत जल्दी लगने लगता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान रखना है इसका, बार बार चम्मच चलाना है। अब हम इसके अंदर ये पनीर डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकाने के लिए तकरीबन 1/2 कप के करीब हम पानी डालेंगे। बहुत ही ध्यान से इसे मिक्स करेंगे। चूंकि पनीर को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ 5 से 7 मिनट इसे देंगे। पनीर डालने के बाद हम कवर लगा देंगे और धीमी आंच करके इसे 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे, हरे धनिए से गार्निश करेंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद पनीर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर मक्खन डाल दूंगी। इस तरह से कम मक्खन इस्तेमाल होगा। क्रीम डाल दूंगी, साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। बस ये रेडी हो गया। हम स्टोव को ऑफ करेंगे और इन तमाम चीजों को बहुत ही जेंटली मिक्स कर देंगे। तो हमारा बहुत ही मजेदार पनीर हांडी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो इसे ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज हैं। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।